उत्तराखंड में IAS अफसर उमाकांत पवार ने प्रदेश में ऊर्जा को लेकर जानकारी दी कि गर्मी में लोगों को बिजली की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा, क्योंकि लोगों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था पहले से ही कर दी गई है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड को 13,000 मिलियन यूनिट बिजली की ज़रूरत होती है और अगले 3 सालों के लिए उत्तराखंड 500 मेगावाट का लक्ष्य लेकर चल रहा है। चिंता की अब गर्मी आ रही है तो बिजली का संकट आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बार हमने ऐसी व्यवस्था की है, 100% जो हमारी मांग हमने अनुमानित की है इस वर्ष की, उसके लिए 100% हमने बिजली टाइप की है, हमें बिजली की कोई कमी नहीं आएगी। उत्तराखंड में जो बिजली की आवश्यकता है उसको हम 3 स्रोतों से पूरा करते हैं। लगभग 1/3 बिजली, 33% से 32% बिजली हम अपनी राज्य सरकार की परियोजनाओं से जनरेट करते हैं, जो कि जल विद्युत निगम हमारा जो है वो जनरेट करता है। तो हमारी पूरे वर्ष में करीब 13,000 मिलियन यूनिट्स की डिमांड होती है, उसमें से करीब 3 से 4 हज़ार यूनिट हम अपने स्थानीय जनरेट कर लेते हैं। लगभग 1/3 बिजली हमको भारत सरकार के जो संयंत्र हैं NHPC के, NTPC के, जो हमारे प्रदेश में लगे हैं, हमको अपना हिस्सा जो शेयर हमारा होता है उन परियोजनाओं में फॉर्मूले के तहत लगभग